अभी की सबसे बड़ी खबर एनकाउंटर के हवाले से, जो कुलगाम के इलाके मीर बाजार से आ रही है। मीर बाजार इलाके में अभी अभी एक एनकाउंटर ब्रेकअप हुआ है। सोर्सेज के हवाले से इतना पता चला है कि इन्फॉर्मेशन, एक इनपुट मिला सिक्योरिटी फोर्सेस को कि कहीं पर कुछ मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं मीर बाजार कुलगाम एरिया में। तो अभी के हवाले से ये ब्रेकिंग आई है कि वहां पर सर्च ऑपरेशन और कॉर्डन शुरू हुआ। जब इंटेंसिफाई किया गया तो इंटेंसिफाई करने के बाद दोनों तरफ से तबादला हो रहा है गोलियों का, घमासान की गोलियां चल रही है। और ये बताया जा रहा है कि ये एनकाउंटर सिर्फ तब शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन इंटेंसिफाई कर दिया। इंटेंसिफाई करने के बाद मिलिटेंट्स की तरफ से कुछ फायर आए और साथ ही साथ एनकाउंटर ब्रेकअप हो गया है। तो अभी के हवाले से ये सबसे बड़ी खबर है। अभी इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि आया दो मिलिटेंट है या तीन मिलिटेंट है, कौन सी तंजीम से है, ऐसी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये एक ट्वीट आया है जिसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि एनकाउंटर नवापुरा मीर बाजार कुलगाम में शुरू हुआ। पहले सर्च ऑपरेशन चल रही थी, कुछ इनपुट्स मिले थे सिक्योरिटी फोर्सेस को। इनपुट्स मिलने के बाद जब सर्च को इंटेंसिफाई किया गया तो मिलिटेंट्स की तरफ से कुछ फायर्स हुए और साथ ही साथ अब दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी है। नवापुरा मीर बाजार कुलगाम की एक खबर है। इतना अभी कुछ सामने नहीं आया कि दो मिलिटेंट्स है, तीन मिलिटेंट्स है या कोई गिनती सामने नहीं आई। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि एनकाउंटर शुरू हो चुका है। आगे की सूरत हाल जो भी रहेंगी आपको हम बताते रहेंगे। सिर्फ अभी तक जो हमारे साथ अभी अभी लेट नाजरीन जुड़े हैं, इतना बता दें कि एक ब्रेकिंग कुलगाम एरिया से आ रही है मीर बाजार से, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ इनपुट्स मिले कि मिलिटेंट प्रेजेंट होने की खबर मिली। तो जब उन्होंने सर्च एंड कॉर्डन शुरू किया, सर्च ऑपरेशन को इंटेंसिफाई करते ही कुछ मिलिटेंट्स ने फायर खोले और सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद तबादला यहां से भी शुरू हुआ गोलियों का और एनकाउंटर का रूप ले लिया। आगे अपडेट्स आती रहेंगी। आपको ये भी बताते चले कि पुलिस का ये ट्वीट जब आया तो हमने सोचा आप तक ये अपडेट पहुंचाए जरूरी भी था। अभी इतना ही पता है क्योंकि एज पर द पुलिस सोर्सेज यही खबर आई है कि गोलियों का तबादला जारी है, घमासान की गोलियां चल रही है आर पार, लेकिन कोई आइडेंटिफिकेशन या कोई आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं हुई है। कौन है, किस तंजीम से है, कितने मिलिटेंट्स है, इसकी कोई खबर नहीं है, अभी कोई इल्मियत नहीं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले एक साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।